महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में पानी की समस्या लगभग आपको हर गली में मिलेगी। इसी तरह अलमास कॉलोनी के वफा पार्क में भी पीने का पानी कई दिनों से लोगों के घरों में गंदा आ रहा है। इसकी शिकायत भी लोगों ने मनपा में की है और मनपा द्वारा यहां काम भी किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद लोगों का कहना है कि जो पीने का पानी आता है वो करीब 15 से 20 मिनट बेहद गंदा और बदबू वाला पानी आता है। इसके बाद भी पानी थोड़ा साफ होता है, मगर पानी से फिर भी बदबू आती है। इस पानी की वजह से कई लोग बीमारी की चपेट में भी आ गए हैं। पानी का पाइप जो गटर के अंदर से गया है और इस गटर की काफी दिनों से सफाई भी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता रहमान शेख से क्या बात की। कब से गंदा पानी आ रहा है आपके घर? 6 महीने हो गए। नहीं, 6 महीने हो गए हम लोग को पानी गंदा आ रहे हैं। 6 महीने से। आपने कभी नगर सेवक के पास शिकायत लेके गए थे? अभी हम लोग गए थे, हम लोग नगर से पहले हम लोग ऑफिस में ही जाके कंप्लेन कर रहे थे। तो ऑफिस में कंप्लेन कर रहे तो लोग एक्शन लेते हैं, आते हैं, कट करते, मगर इतनी लाइनें गटर में है ना कि उन लोग कितना भी काम कर रहे तो वो हो ही नहीं रहे। अभी भी देखो कितने लोगों ने निकाल लिए, मगर बाकी सब अभी सब है, कितनी सारी लाइनें अभी भी गटर में और पानी अभी भी हम लोग को साफ नहीं आ रहा है। अब पूरी नई लाइन लाके दिए उन लोग ने डाले उससे भी। हाँ, नगर सेवक के पास भी जाके आए, उनको भी आए। इब्राहिम भाई भी तो कितनी बार आके जाते हैं, मगर वो क्या हो रहा है, पब्लिक लोग जोड़ देते हैं चोरी से, उसमें पानी क्लियर हो ही नहीं रहा, गंदा ही पानी मेरा। हम लोग का मसला हल नहीं हुआ, मतलब जो करना था। हम लोग ज्यादातर टैंकर ही ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये जो अभी 2-4 दिन से हम लोग तो लाइन का पानी लेना शुरू किए, वो भी स्टार्टिंग में सब गंदा आता है, बाद का जो आता है थोड़ा बहुत वो यूज कर लेते हैं, बस यूज में लेते। लेकिन हम लोग पीने में पीने के लिए पानी हम लोग 4-6 महीने से बाहर से ही ले रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं पीते पानी, लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना ये चीज। अभी अपने नगर सेवक के पास जो कंप्लेंट लेके गए तो नगर सेवक को आप लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? देखिए प्रॉब्लम क्या है, नगर सेवक को हमने बताया है कब से, बट ये 6 महीने से हो गया है। वो लोग प्रॉब्लम ये बोलते हैं कि हम करेंगे काम चालू है, लेकिन ये नई लाइन डालने का रीजन मुझे समझ में नहीं आता है। फर्स्ट थिंग, पुरानी लाइन ऑलरेडी है जिसमें प्रेशर है, उसमें लोगों ने इलीगल टैपिंग दी रही है, अटर में पानी की पाइपलाइन है उसको आप निकालिए। नाले का सफाई ये पूरे साल में हुआ नहीं है, इतनी सारी पाइप है, नियरली 100 से 150 पाइप है अंदर, उसमें से एक पाइप भी अगर लीकेज होगा तो 22 आवर्स 2 घंटा पानी आता है, 22 आवर्स रिटर्न पानी जो है मेन लाइन में जाता है, और वो बाद में क्या होता है वो सब लाइन में कंज्यूम हो जाता है और सब लोग यहाँ पे गंदा पानी आता है। तो ना नगर सेवक इस पे कोई एक्शन ले रहा है, ना TMC वाले कोई एक्शन ले रहे हैं कि लाइन डिस्कनेक्ट करें हम लोग। एटलीस्ट मुझे पता नहीं क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट है इसका, कि इल्लीगल लाइंस को गटर में से जो ले रहे हैं उन लोग को रोका नहीं जाता है, और इसकी वजह से मुश्किल से हम लोग जाना ये होता है कि डेली यहाँ की जो लेडीज़ है वो सुबह में 9 बजे उठती है, टैंकर की लाइन में जाती है, टैंकर ऑफिस जाती है, अपना काम वगैरह छोड़ के भीख मांगती है पानी के लिए। अरे भाई मेरे को पानी दे दो, 2000 दे दो, 1000 दे दो। वहाँ पर जाने के बाद 2 बजे 1 बजे पानी की लाइन बंद हो जाती है, शाम तक पानी का टैंकर मिलता है। मतलब हर घर से एक ना एक लेडीज़, मतलब दिन में 5 लेडीज़ जो है वहाँ पर जाके अपना काम धंधा छोड़ के पानी के लिए टैंकर के लिए जाती है, वो भी भीख मांग के। उसके बाद में उनको पर्स भी देना पड़ता है और उनके टैंट्रम्स भी रहते हैं, पाइप भी लेना पड़ता है खुद से, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा बोलने का ये मतलब है कि एक लिमिट होती है, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 6 महीने से ये इशू है और इतना गंदा पानी है, सब बच्चे लोग पूरे बीमार पड़ गए, ये प्रॉब्लम है। जब तक पानी की गटर साफ़ नहीं होगा, गटर में से डिस्कनेक्ट नहीं होगी, गटर का पानी रिवर्स जाएगा ही उसमें और प्रॉब्लम होगा। मेरे डैडी गए हैं, मैं गया हूँ, सब लेडीज़ गए हुए, सब लोग ने काम बोला कर रहे हैं, उन लोग कर भी रहे हैं, उन्होंने कुछ नई लाइन प्रपोज़ की है, नई लाइन के लिए पूरा खोदा है। लेकिन सर एक सिंपल चीज़ है कि पुरानी लाइन क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो आप? पुरानी लाइन को ही क्लीन करके सॉर्ट आउट, इशू निकालो ना। बहरहाल काफी दिनों से लोग परेशान हैं, जो पीने का पानी आ रहा है वो बेहद गंदा पानी है, क्योंकि पानी पीने लायक नहीं है। लोग टैंकर मंगाकर पीने का पानी लेते हैं, हालांकि मनपा द्वारा पानी क्यों गंदा आ रहा है जगह जगह इसकी खुदाई कर इसे दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।